जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस रिविजन यूनिट इन दिस रिविजन डियर स्टूडेंट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 3 क्वेश्चंस। First one is there was a need to find out sea route towards the India by European people. Why? Why they need? Either explain the statement. Second battle of Plassey and third one battle of Buxar. To फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई। देखो एज वी एवरीवन नो इंडिया वॉज वेरी प्रॉस्परियस कंट्री इन एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम में इंडिया बहुत ही प्रॉस्परियस कंट्री था। वी यूज टू सेल मैनी थिंग्स मैनी कॉमोडिटीज to the foreign countries. The merchants from outside country came to India from northwestern boundaries. Land boundaries से आते थे। देखिए यहाँ भारत बहुत ही कैसा देश था, बहुत ही prosperous धनाढ्य देश था। धन बहुत सारे अच्छे resources थे। अब जो व्यापार था वो कहाँ से होता था? लैंड रूट से। दैट टाइम देर वॉज नॉट ए सी रूट। सी रूट था लेकिन मतलब नॉट बी सर्च्ड बाय एनीवन। सो कंट्री केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थन वेस्टर्न बाउंड्रीज बाय लैंड रूट एंड आफ्टर बाइंग द इंडियन कमोडिटीज। अब यहाँ जो भारत के साथ व्यापार करने के लिए क्या करते थे? लैंड रूट होता था। और देर इज वॉज बिग सेंटर नेम कॉन्स्टेंटिनोपल। अब ये जो बड़ा एक सेंटर था बीच के अंदर जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था, दिस सेंटर वॉज कैप्चर्ड बाय टर्कीज। अब इस सेंटर को तुर्की लोगों ने, इस्तानबुल का नाम शायद आपने सुना हो, इस्तानबुल, इसके ऊपर तुर्की लोगों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। टर्की गॉट्स विक्ट्री ओवर द सिटी कॉल्ड कॉन्स्टेंटिनोपल विच वॉज नेम द मेन ट्रेडिंग सेंटर ऑफ यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज। जो हमें यूरोपियन और एशियन कंट्री के बीच का एक मुख्य सेंटर मानते थे, दैट वॉज द मेन सेंटर। द ट्रेडिंग, अब कंसिक्वेंसली क्या इसका परिणाम क्या निकला? इन तुर्कीस लोगों ने जब इसके ऊपर कैप्चरिंग किया तो उसका रिजल्ट क्या निकला? द ट्रेड क्लोज। और दैट टाइम देखो यहाँ हमारे यहाँ इंडिया की जो स्पाइसेस हैंडीक्राफ्ट थिंग्स बहुत ही फेमस थी। द यूरोपियन पीपल वर फॉन्ड ऑफ दिस वन फॉलोइंग थिंग्स। जो यूरोपियन लोग थे वो इन वस्तुओं के बड़े शौकीन थे। These merchants wanted great benefit. Their demand of Indian commodities like silk, cotton, cloth, muslin, black paper, spices was increased in European countries. भारत से जाने वाले कई तरह के मसाले जिनके बहुत ही शौकीन थे, ब्लैक पेपर है, मसलिन है, क्लॉथ्स यहाँ के, वो उनकी जो डिमांड है वो बढ़ने लगी यूरोपियन मार्केट के अंदर। यूरोपियन कुड नॉट स्टे विदाउट इंडियन ब्लैक पेपर। वो रह नहीं सकते थे जिसके बिना ब्लैक पेपर एंड स्पाइसेस। इन दिस वर देयर वॉज टू नीड टू फाइंड आउट सी रूट। और ऐसी परिस्थिति के अंदर उनको एक नए मार्ग की खोज करनी पड़ी। तो वापस से आपको क्लियरिफिकेशन हो जाना चाहिए कि वाई दे नीड, जैसा कि इंडिया शॉर्ट में बता जा रहा हूँ, वापस से ध्यान देना। इंडिया वॉज द वेरी प्रॉस्पेरियस कंट्री।
वी हैव टू ट्रेड विद द फॉरेन कंट्रीज अब्रोड, जो है ना फॉरेन कंट्रीज से हमारा यहाँ क्या होता था, व्यापार होता था। अब यहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें बहुत ही फेमस थे और जो लोग थे वो आदि हो चुके थे, स्पेशल स्पाइसेस वगैरह। अब नाउ इन ऑल दैट कंडीशन, वहाँ ये जो पहले था वो एक लैंड रूट से, वेस्ट पार्ट में जो था हमारा लैंड रूट व्यापार जो होता था वो लैंड रूट से होता था। लेकिन ये लैंड रूट के बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा है, देयर वॉज ए बिग ट्रेडिंग सेंटर कॉन्स्टेंटिनोपल दैट वॉज कैप्चर्ड बाय टर्किश, जिनको टर्किश लोगों ने कैप्चर कर दिया। अब जब ये लैंड रूट बंद हो गया तो क्या हो गया, ट्रेड क्लोज। अब दीज यूरोपियन पीपल वर वेरी फॉन्ड ऑफ द स्पाइसेस एंड हैंडीक्राफ्ट थिंग्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कई ऐसी चीज़ों के बहुत शौकीन थे, सो उनके ऊपर प्रेशर टू फाइंड आउट न्यू सी रूट। अब इनको ये नई सी रूट को खोजने की जरूरत पड़ी। क्वेश्चन नंबर टू, बैटल ऑफ प्लेसी। बैटल ऑफ प्लेसी वॉज फॉट बिटवीन बंगाल नवाब सिरोज उद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। तो बैटल, पहली बात तो आपको इस पॉइंट पे ध्यान रखना है, 1757 के अंदर हुआ था, अमंग बिटवीन सिरोज उद्दौला नवाब ऑफ बंगाल एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था। अब ये बैटल ऑफ सिरो प्लेसी के पीछे कारण क्या था, एज एवरीवन नो, जैसा मैंने बहुत पहले ब्रॉडली आई एक्सप्लेन चैप्टर के जो पढ़ा रहे थे उसमें ब्रॉडली इसका एक्सप्लेनेशन किया, उसके नोट्स भी आपको भेजे थे, उन्हीं नोट्स को वापस से लिखना है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा से उसको अच्छी तरह से और समझ सकते हैं आप। तो देखिए, सिरोजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल इन 1756। ये जो नवाब बना वो कौन से ईयर में बना, 1756 के अंदर। ही वॉज वेरी एम्बिशियस नेचर और थोड़ा टेम्परेट, हाई टेम्परेचर वाला व्यक्ति था। ही कुड नॉट बियर द इंटरफियरिंग ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश का जो इंटरफियर हो रहा था, ब्रिटिश लोग क्या करते थे उस समय, हमारे यहाँ इंटरफियरिंग बहुत बढ़ चुकी थी, और सिरोजुद्दौला डिड नॉट लाइक, सिरोजुद्दौला उसको पसंद बिल्कुल नहीं करता था। इवन द क्वेश्चन प्रॉब्लम थी वो था, दे डिड नॉट पे द टैक्स, ब्रिटिश डिड नॉट पे द टैक्स, ब्रिटिश क्या करते थे, टैक्स भी पे नहीं करते थे। ही वॉज सो फ्रॉडी नेचर्स भी था, अदर पीपल वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑफ हिम, उसके अगेंस्ट में थे। बट देन आफ्टर वॉट हैपन इज यू नो, उसके बाद में आपकी जो घटना एक किस तरह से घटी कि ब्रिटिशर डिड नॉट लाइक हिम, अब ब्रिटिश भी उसे पसंद नहीं करते थे। ब्रिटिश हेल्प द कॉम्पिटिटर्स ऑफ सिरोजुद्दौला, अब ब्रिटिश ने एक बड़ी चाल खेली और उसने किसको यहाँ साथ दिया, जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे अमीरों को। अब इन ऑल दैट कंडीशन व्हाट हैपन डू यू नो, ऐसी परिस्थिति के अंदर जब उसने कॉम्पिटिटर्स को याद ध्यान दिया, तो नवाब ऑफ बंगाल सिरोजुद्दौला ऑर्डर द कंपनी नॉट टू इंटरफियर द मैटर्स ऑफ स्टेट। सिरोजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को उनके राज्य के आंतरिक मामलों में इंटरफियरिंग न करें उसकी हिदायत दी। एंड आस्क्ड टू पे द टैक्स, और उनको उसने
पे टैक्स को पे करने की बात कही और ये बात अंग्रेजों के गले उतरी नहीं। बोथ द पार्टीज वर रेडी टू सेटल द मैटर अपॉइंटेड सो नवाब अटैक्ड द ब्रिटिशर्स विद 30 सोल्जर्स। अब उस समय देखिए इन सभी की सुरक्षा के लिए दे मेड अ वॉल, ए फोर्टिफाइड वॉल, फोर्टिफाइड उनका जो भी सेंटर्स थे उनके ऊपर फोर्टिफाइड मतलब वॉल बना दी। एंड सिरोजुद्दौला डेमोलिश दिस, सिरोजुद्दौला ने इस वॉल को क्या करवा दिया, तोड़वा दिया। इट्स रीच टू द रॉबर्ट क्लाइव, ये जो बात है वो रॉबर्ट क्लाइव तक पहुंची। और रॉबर्ट क्लाइव तक पहुंचने के बाद में क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव दैट टाइम इन मद्रास ही केम विद ए आर्मी, एक आर्मी के साथ आया। बट ही फाउंड ही इफ ही फोट अगेंस्ट डायरेक्टली हिम ही कुड नेवर विन, वो कभी नहीं जीत सकता। उसने सोचा कि वो कभी नहीं जीत सकता वो। सो ही प्लेड ए ट्रेचरी, उसने एक बहुत बड़ा ट्रेचरी किया। उसी ने ही कन्विंस्ड हिज जनरल या आर्मी चीफ मीर जाफर। अब उसने क्या किया, उसके ही सेना नायक मीर जाफर को कन्विंस किया और इस कन्विंस के अंदर ही प्रॉमिस टू मेड हिम किंग आफ्टर द सिरोजुद्दौला। सिरोजुद्दौला को कि डेथ के बाद उसे राजा मतलब उसको जीतने के बाद उसे नवाब बनाने का उसने वादा किया और उसमें वो सफल हुआ। और अकॉर्डिंग टू ही वुड बी अन एक्टिव इन द वॉर एंड प्ले द साइड ऑफ द ब्रिटिश, और युद्ध के समय में वो अनएक्टिव रहेगा ऐसी बात कही। और उसकी ट्रेजरी की वजह से सिरोजुद्दौला वॉज किल्ड, सिरोजुद्दौला को मार दिया गया एंड मीर जाफर बिकेम द किंग और मीर जाफर वहाँ का राजा बना दिया गया। अब उसी क्रम में देखो बैटल ऑफ बक्सर कैसे हुआ, उसे आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो देखो यही पार्ट अब यहाँ कंटिन्यू, रॉबर्ट क्लाइव एज ए प्रॉमिस, एज अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस मीर जाफर बिकेम द किंग ऑफ द या नवाब ऑफ द बंगाल, नवाब का बंगाल जो कौन बन गया, मीर जाफर। अब ये जो मीर जाफर था वो क्या था, बड़ा एम्बिशियस था। When he got, जब उसने ये प्राप्त किया तो he again suffer, did suffer to the Britishers. Britishers did not like him. और जब ब्रिटिश ने इसको एंड तो ही डी दे डी थ्रॉन, ब्रिटिश डी थ्रॉन्ड मीर जाफर एंड मीर कासिम बिकेम द नेक्स्ट नवाब। अब क्या कर दिया यहाँ, उसको तो हटा दिया और उसके बजाय मीर कासिम उसी का जो मीर जाफर एंड रिप्लेस्ड बाई मेकिंग हिज सन इन लो मीर कासिम, मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया उसी के सन इन लो। मीर कासिम स्टार्टेड ट्रबलिंग द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स को वो ट्रबल में डालने लगा। सो द ब्रिटिशर डिसाइडेड टू डिसमिस हिम, और ब्रिटिशर्स ने उसको क्या कर दिया, डिसमिस करने का डिसाइड किया। द बैटल मीर कासिम प्रिपेयर्ड द आर्मी बाई टेकिंग द हेल्प ऑफ द नवाब ऑफ अयोध्या एंड मुगल एम्परर शाह आलम। और देखो वहाँ से उसको भागना पड़ा और उसने अवध में जाकर के शरण ली और वहाँ जाकर के उसने वापस से एक अलाइड नेशन आर्मी बनाई और उस अलाइड आर्मी के अंदर मीर कासिम, नवाब ऑफ अयोध्या एंड मुगल एम्परर शाह आलम
थ्री अलाइड आर्मी ने मिलकर के अंग्रेजों के साथ युद्ध किया इन द ईयर 1764। देयर वॉज ए बैटल बिटवीन यूनियन आर्मी या अलाइड आर्मी ऑफ मीर कासिम एंड ब्रिटिशर्स इन द फील्ड ऑफ बक्सर। बक्सर के फील्ड में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इन दिस फील्ड ब्रिटिशर्स गॉट विक्ट्री और ब्रिटिशर्स को यहाँ सफलता मिली और आफ्टर द बैटल ब्रिटिशर डिसमिस मीर कासिम। मीर कासिम को वहाँ से हटा दिया गया और मीर जाफर अगेन बिकेम और मीर जाफर को वापस से वहाँ का नवाब बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। और इन 1765 के अंदर मीर जाफर डाइड, मीर जाफर की डेथ हो गई एंड रॉबर्ट क्लाइव बिकेम हिमसेल्फ नवाब ऑफ बंगाल। और अब यहाँ मीर जो काशी जाफर के बाद में रॉबर्ट क्लाइव खुद यहाँ का ही राजा बन गया या नवाब बन गया, उसने खुद ने अपने अंडर में ले ली। तो डियर स्टूडेंट, आज का आपका होमवर्क 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, राइट एंड प्रिपेयर। इनको तैयार करेंगे, इन क्वेश्चंस को लिखेंगे और लिख करके उसे तैयार करेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।